गुड मॉर्निंग दोस्तों, झारखंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। झारखंड में अभी भी चुनाव संपन्न हुए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसमें जीत दर्ज की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत के बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। आज हम लोग देखेंगे किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री पद दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड में मुख्यमंत्री पद हेमंत सोरेन को दिया गया है। उनका विधानसभा क्षेत्र दुमका एवं बरहेट है। ये 42 वर्ष के युवा मंत्री हैं। इनका मुख्यमंत्री पद पर 11वां स्थान है। ये हमारे मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, विधानसभा क्षेत्र लोहरदगा। रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री हैं, लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है। ये हमारे सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में सबसे बुजुर्ग रामेश्वर उरांव और सबसे युवा हेमंत सोरेन। समाज कल्याण तथा महिला विकास मंत्री ये जोबा मांझी हैं, जो कि हमारे मंत्रिमंडल की इकलौती महिला हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र है मनोहरपुर। जोबा मांझी समाज कल्याण में महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी हैं। ये मनोहरपुर से निर्वाचित हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को दिया गया है। इनका विधानसभा क्षेत्र है गढ़वा। गढ़वा क्षेत्र से ये निर्वाचित होकर आए हैं। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो। विधानसभा क्षेत्र है इनका डुमरी। ये पहली बार मंत्री बने हैं और ये पहली बार मंत्री बने हैं एवं इनका चौथी बार विधानसभा में चुनकर आए हैं। अल्पसंख्यक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, विधानसभा क्षेत्र मधुपुर। हाजी हुसैन अंसारी को अल्पसंख्यक मंत्री का पद दिया गया है, जो कि मधुपुर से निर्वाचित है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता, इनका विधानसभा क्षेत्र है चतरा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता और विधानसभा क्षेत्र चतरा। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री बन्ना गुप्ता। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता और इनका विधानसभा क्षेत्र है जमशेदपुर पश्चिम। ग्रामीण विकास आलमगीर आलम, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम बने हैं और इनका विधानसभा क्षेत्र पाकुड़, जहां से ये निर्वाचित हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री चंपई सोरेन को बनाया गया है, जिनका विधानसभा क्षेत्र है सरायकेला। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।